मैं साथ में कर रहा हूँ आपकी डाइट, ये पिछली बार भी कहा था। और रमेश का जो खाना है वो भी एकदम शेफ स्टाइल होता है। गुंजन ना हो और गुंजन की जगह कुछ कोई और हो। फेनल सीड सौंफ होते हैं, धनिया होता है। डन विद द शॉपिंग एंड वी शॉप्ड। हमारा इंतजार करता है। वी कैन रिप्लेस। मैं यहाँ पे ही बंद कर रही हूँ, मैं जरा बाद में मिलती हूँ आपसे। प्रातःकाल सुबह 8 बजे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू डे वन ऑफ द डाइट। वेलकम टू 2023 एंड डे वन ऑफ द डाइट प्लान। इन्हें तो आप जानते ही हैं, इनका नाम है गुंजन। पर पता है इनको सब गुंजन शाउट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेरे पे हमेशा चिल्लाती रहती। ज़ोए, नो। तुम्हारे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, हमारा अलार्म बजने से पहले ज़ोए हमारा अलार्म बन के आ जाता है और जिस पे कोई स्नूज बटन काम नहीं करता। अब आप मिलिए इनसे, जिन पे गुंजन शाउट्स मुझसे भी ज्यादा शाउट करती है। इनका नाम है हिमीश, जो कि गुंजन के हस्बैंड है और मेरे ह्यूमन पापा। ओके, तो हिमी आज फर्स्ट जाना है। बताओ कि जैसे मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, आपका क्या प्लान है, आपने क्या खाना है? मैं साथ में कर रहा हूँ आपकी डाइट। ये पिछली बार भी कहा था और पिछली बार भी करी थी, एक दिन छोड़ के। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, तो मैं तो डाइट कर ही रही हूँ, साथ में हिमीश का भी कहना है कि मैं फॉलो करूंगा पूरा इस बार 100%। मैं 100% कंपनी दूंगा। 100% कंपनी क्या होता है? हाँ, मतलब मैं करूंगा, पूरा डाइट करूंगा। अगर आपने भी ये चैलेंज लिया है तो आप भी अपने घर पे अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स या सिब्लिंग्स जो भी है उनको बोलो कि साथ में कंपनी दें। कंपनी देने के लिए पहले कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर विल बनेगी, फिर कंपनी किसी और को दी जाती है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? चले, लेट्स गो। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे घर के एक और खास मेंबर से। हमारे वेट बढ़ने का कारण हमारे कुक रमेश। एक्चुअली ये ब्लॉग इन्हीं की वजह से तो हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये अच्छा खाना ना बनाते तो गुंजन शाउट्स का वेट कभी ना बढ़ता और वो ये ब्लॉग्स कभी ना करती। काश ऐसा हो पाता। रमेश अब हाँ से डाइट शुरू है। हाँ जी। तो तुम्हें मैंने बताया ही था कल। हाँ। ये मैं डाइट का प्रिंट आउट निकाल के भी दे सकती हूँ। डाइट प्लान है यहाँ पे, जब हम क्लिक करते हैं तो लास्ट में इसका डाउनलोड डाइट प्लान का ऑप्शन भी आता है, तो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैं प्रिंट आउट निकाल के दूँ आपको? नहीं याद, मैंने किया था डाउनलोड। अच्छा, आपने ऐप डाउनलोड की थी? हाँ। अरे वाह, ये देखो रमेश ने भी ऐप डाउनलोड कर लिया। डे वन पे सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में फेनल सीड वाटर, मतलब वो फेनल सीड सौंफ होते हैं, धनिया होता है, फेन्युग्रीक। फेनल मेथड होते हैं। फेनल सौंफ होता है। हाँ, सौंफ होता है। रमेश को पता है। बोला फेनल सौंफ होता है। ठीक है, तो फेनल वाटर लेना है साथ में। सौंफ बोल रहे थे आप, कंफ्यूज आ रही है। आप बोल रहे थे मेथड़े होते हैं। फेनल सीड उबालने। हाँ। मेरा नाम रमेश सिंह बिस्ट है, मैं उत्तराखंड से हूँ। रमेश इससे पहले तुम कहाँ पे काम करते थे? मैं गुजरात में। गुजरात में कहाँ? मैं अहमदाबाद, हाँ, कैंसिबल गोल्फ क्लब करके नाम है उसका, तो उसमें काम करता था। कैंसिबल गोल्फ क्लब। गोल्फ क्लब रिजॉर्ट, कंट्री क्लब था नाम उसका। अच्छा, क्या क्या कुक करा था आपने? आपका मेन क्या मेन चाइनीज का था, लेकिन वहाँ पे सब कुछ करता था, इंडियन चाइनीज, जहाँ पे बंदे नहीं थे वहाँ पे चले जाता था मैं। अच्छा, और रमेश का जो खाना है वो भी एकदम शेफ स्टाइल होता है, चाहे वो घर का खाना होता है, घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट तब भी उसमें टेस्ट आपको रेस्टोरेंट वाला मिलता है और प्रेजेंटेशन भी रेस्टोरेंट्स वाली होती है। वो भी आप देखोगे अभी, डाइट के खाने को भी हम कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितनी देर तक कर रहे हैं इसे बॉईल? बस हल्का मुन्ना है, पानी का कलर आ जाएगा। ज़ोए का ब्रेकफास्ट हो गया? ज़ोए फूड? ज़ोए का फूड बाहर है। ज़ोए फूड? ज़ोए फास्ट फूड। ये क्यों पी रहे हैं पता है आपको? क्या होगा इससे? नहीं, आप वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके पी रहे हो इसको। वेस्ट से इन्फ्लुएंस होके? सौंफ का पानी? हाँ, क्योंकि दिस इज यूएस ना। यूएस? हाँ। कैसे? उबले सौंफ। अच्छा बताओ क्या फायदा है इसका? डाइजेशन। तो अभी तो कुछ खाया नहीं, तो डाइजेशन का क्या करेंगे? कुछ तो खाया हुआ है ना कल से, वो तो या अभी जो खाओगे, तो जो भी मैं इसके बाद खाऊंगा उसके लिए भी ये डाइजेशन पहले इंप्रूव कर देगा। हाँ। ओके, सो इट्स लाइक प्रीपेड। जो होती है वो हींग गोली, वो है पोस्टपेड और ये प्रीपेड। बट सर्दियों में अच्छा है ना, ऐसे सुबह उठ के थोड़ा गरम गरम चाय से तो बेटर है। सुबह उठ के जो जिन लोगों को चाय पीने की आदत है ना, उनको ना वो बस आदत है, मतलब कुछ सिप करने की आदत है। ऑफ कोर्स चाय की किक भी होती है, चाय का नशा भी होता है, बट
वो तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो हमारी एक हैबिट बनी होती है ना। हिमी आप बताओ ना, इस फील्ड में आपकी बहुत मास्टरी है। तो बेसिकली हमारे माइंड के ये ट्रिगर्स होते हैं कई हाँ। बार हमारे माइंड को सिर्फ हैबिट होती है कि डेली वो चीज़ चाहिए, तो इसको हम प्लेसिबो कहते हैं। मतलब कि आपको वो वाला इफेक्ट फील होना शुरू हो जाता है विदाउट हैविंग दैट थिंग। जैसे किसी को स्मोकिंग छोड़नी है तो उसके सिगरेट में टोबैको नहीं भी है लेकिन सिर्फ स्मोक कर रहा है, तो उसकी वो मेंटल क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाती है कि मुझे कुछ करना है कुछ करना है, एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे छोड़ पाता है। किसी भी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी माइंड को चीट करते हुए इसको कर लो। सो इट्स अ गुड चीटिंग टू माइंड। तो जैसे अगर किसी को मान लो चिप्स खाने की होती है एडिक्शन के लिए, कैसे प्लेस मान लो चिप्स की है, कई बार सिर्फ कुछ खाना है वो वाली होती है, सो वहां पे रिप्लेसमेंट कैन हेल्प। कुछ मंच करना है बस, ओ कोई ओवरथिंक कर रहा है उसको मंच करना है, कोई किसी को काम का प्रेशर उसको कुछ मंच करना है। आई थिंक हम स्ट्रेस और प्रेशर में बहुत ज्यादा मंचिंग की तरफ जाते हैं, तो वहां पर इनफैक्ट कुछ ऐसा मंचिंग ऑप्शन होना चाहिए जिसमें जो कैलोरी डेंस ना हो, क्योंकि मुझे लगता है नट्स में भी ना आप बहुत ज़्यादा नट्स नहीं मंच कर सकते, गर्म होते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो इट्स बेटर कि कोई ऐसी चीज़ रखो पास में जिसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इतने सारे पॉपकॉर्न मगर वो वॉल्यूम में ज़्यादा दिखते हैं, सो यू कैन कीप मंचिंग देम। और आप जो मेरा दिमाग मंच करते रहते हो, नहीं मैं वही सोच रहा था कि मैं भी एक प्लेसिबो करूं, अगर गुंजन ना हो और गुंजन की जगह कोई और हो। मुझे रोज गुंजन की आदत है, बट वी कैन रिप्लेस। मैं यहाँ पे ही बंद कर रही हूँ, मैं जरा बाद में मिलती हूँ आपसे। चलो इसी बहाने फाइनल सीट अंदर जा रहे हैं, शुक्र आपके व्लॉग का। इसलिए मुझे लगता है कि अब साल में कम से कम एक दो बार ना, अगर आपको नहीं भी जरूरत तब भी डाइट कर लो, उससे और कुछ नहीं होगा, आप ट्रैक पे आ जाओगे। क्वांटिटी के ट्रैक पे, हेल्दी खाना खाने के ट्रैक पे, इस तरह की चीज़ों के ट्रैक पे, लाइफस्टाइल के ट्रैक पे, लाइफस्टाइल के ट्रैक पे। आज ब्रेकफास्ट में है पनीर पोहा, और इस तरह की डिशेस जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं उनकी रेसिपीज़ भी आई एम बाओ की ऐप में दी होती है। वैसे ही रेगुलर पोहा की तरह ही बनता है, बस इसके अंदर पनीर भी ऐड होता है। तो ये रहा हमारा किचन वेइंग स्केल, चलता है ये अभी? ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे ये, और 150 ग्राम पोहा लेना है। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, 150 ग्राम पनीर पोहा, और इसे कहते हैं पोर्शन कंट्रोल्ड ईटिंग। जैसे हम कहते हैं ना वेट लूज करना है तो पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, तो डाइट प्लान फॉलो करने का यही फायदा होता है कि आपके पोर्शंस डिफाइन हो जाते हैं, क्वांटिटी डिफाइन हो जाती है आपके हिसाब से कि आपको कितना लेना चाहिए। और अब बारी है हमारे घर के सबसे खास मेंबर की, इनसे मिलिए। इनका नाम है केडी, जिसकी दो फुल फॉर्म है, एक तो है केदार और दूसरी हमारे कर्ता धरता। घर का सारा काम यही तो करते हैं। चलो केडी अब अपने बारे में बता तो दो सबको, आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम केदार सिंह सतवाल है, मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। केडी भी आपको इन ब्लॉग्स में बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। केडी जब गाँव जाते हैं तो बहुत स्वाद एक चॉकलेट बर्फी लेके आते हैं, लेकिन इस महीने मत लाना। अगली बार जाऊंगा सब तब लेके आऊंगा। तो गाइज ये चाय के साथ है हेल्दी स्नैकिंग नट्स। टाइम हो गया है मिड मॉर्निंग फ्रूट्स का, मतलब 12 बजे वाले स्नैक्स में अब हम ले रहे हैं फ्रूट्स, जिसमें है 150 ग्राम पाइनएप्पल। डालो डालो अभी बहुत स्कोप है। हाँ जी मैडम, कितना करना है जी? 150 ग्राम भैया, 150 ग्राम फ्रूट कर दो। ठीक है मैडम जी, ठीक है चलेगा। 150 ग्राम फ्रूट कर दी। 150 ग्राम फ्रूट्स। गाइज वी आर रेडी टू गो आउट फॉर सम शॉपिंग। जोए तो झूले झूल रहे अकेले अकेले, ओके एंजॉय। हम लोग अपना लंच साथ में लेके आए हैं, सो बिफोर वी रीच द मार्केट लेट्स हैव लंच। लंच में है सैलेड और साथ में कैबेज की सब्जी एंड साथ में रोटी, सो दिस इज व्हाट आई हैव इन माय लंच टुडे। Done with the shopping and we shopped nothing. Actually, हमारा एक family function आ रहा है जिसके लिए मुझे एक dress लेनी थी and I have something very specific in my mind. तो आज मैंने दिल्ली की रजौरी market के बारे में आपने सुना होगा,
तो वो मार्केट घूमी और ढूंढने की कोशिश करी, बट मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिल रही जो मेरे माइंड में है. मे बी आई कैन पोस्ट पेस्ट अ पिक्चर ओवर हियर, एंड अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो ये कहाँ से इस तरह की एक ड्रेस मिल सकती है तो आप प्लीज़ मुझे बताना. कोई डिज़ाइनर हो जो इस तरह की ड्रेस स्टिच कर दे मेरे लिए तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. अब घर जाके डिनर करना है, डिनर में क्या है भी आपको घर जाके मैं दिखाती हूँ बताती हूँ. इवनिंग में एक दो चीज़ें और थी जो मिस हुई हैं. एक था हमारा जूस, कैरेट बीटरूट स्पिनच जूस था, वो मिस हो गया. और उसके अलावा कुछ सीड्स भी खाने थे आज, वो मिस हुए. और लंच के बाद आई थिंक एक कुछ और कोई एक ड्रिंक थी, वो मिस हुई. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिस हो गई हमारी. हमने सोचा था कि हम जब बाहर जाएंगे तो मार्केट में हम जूस पी लेंगे, बट वो काइंड ऑफ रह ही गया. मैं एक्चुअली आपको यही बताना चाहती हूँ कि गाइस सी, यहाँ पे पर्पस ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन 1 जनवरी लेट्स डू. और क्या होता है, हम जब पहले दिन कुछ चीज़ें नहीं कर पाते ना तो इस टाइम पे ना हमारा मोराल डाउन हो जाता है कि यार नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा. दैट्स ओके. ये मत देखो कि क्या नहीं हुआ, आप ये भी तो देखो कितना कुछ हुआ. अब हम दिल्ली की रजौरी मार्केट में गए, ठीक है. अदरवाइज अगर ये डाइट नहीं कर रहे होते तो हिम बताना क्या क्या होता. हम खाते ग्रोवर के छोले भटूरे, हम खा लेते रौनक दी कुल्फी थी यार, उसके आगे से निकले हैं, उसके आगे से निकले हैं. गोलगप्पे खाते हम, चाट बहुत फेमस ऑफ कोर्स यार, वेस्ट दिल्ली की चाट पापड़ी, ओए होए टिकिया. तो डेफिनेटली हाँ, अगर हम जाते तो ये चटर पटर स्ट्रीट फूड जरूर खाते. सर्दी में वो गरम गरम टिकिया, ओए होए. और वो इसीलिए प्रिवेंट हुआ क्योंकि डिसाइड किया है कि कुछ अनहेल्दी नहीं खाना फॉर सम टाइम. इतना अच्छा लग रहा है ना, ये फीलिंग इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि जब आप खा लेते हो ऐसे उस वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में आपको गिल्ट हो रहा होता है कि यार खा लिया. अभी हमें इतना अच्छा लग रहा है कि यार गुड के वी आर ऑन डाइट, कितना आराम से हमने कंट्रोल किया और अभी कितना लाइट फील हो रहा है, कोई नो हैवीनेस. सो हाँ, दो तीन चीजें हैं जो फिक्स करने वाली है हिमेश कल से. एक हमें अपने वाटर इनटेक को ठीक करना है. आई थिंक हमारा आज का वाटर इनटेक भी कुछ खास नहीं रहा. खाने के टाइमिंग्स को भी थोड़ा ठीक करना है क्योंकि अभी मार्केट से आ रहे हैं, 10 बज गए ऑलरेडी, तो थोड़ा डिनर का टाइम ठीक करने वाला है. और इसके अलावा जो चीज़ें मिस हो रही हैं जैसे कि जूसेस मिस हो रहे हैं, अगर हम ये सब चीज़ें मिस करेंगे तो हमें डाइट के उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. वेट तो लूज़ हो जाएगा, बट अगेन इस बार पर्पस सिर्फ वेट लूज करना नहीं है. Zoe is waiting for us. और ये छोटू यहाँ पे बैठ के हमारा इंतज़ार करता है, और जब हम आते हैं तो इसकी टेल ऐसे ऐसे विगल करती है. ज़ोई बुला के बुलाने गया है. ये लेकर आएगा किसी को. ओके किडीज हियर. नमस्ते, कैसे हो? गुड गुड गुड. खा ले खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले. आप अपने कपड़े तो दिखाओ. ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरे जन्मदिन पे. पीछे है ना, दिखाई नहीं दे रहा. एक सेकंड. टेन में से कितने नंबर दोगे इस मॉडल को, जल्दी से कमेंट में बताओ. इस मॉडल को 10, कपड़ों को कितने देने हैं वो आपकी चॉइस है. इस मॉडल को कितने नंबर देने हैं कमेंट में जल्दी बताओ. 10. अगर आपने मुझे 10 दिए तो आपके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट है, आपको बहुत सारी दुआएं अबंडेंट. प्लीज बी ऑनेस्ट एवरीवन. रमेश भाई क्या है खाने में? चिल्लाना नहीं है, खाने चिल्ला. तो डिनर में है बेसन का चीला, मेरा ना 1.5 चीला है तो इसलिए बड़े बड़े बना. नाना ऐसा गलत काम ना करना जी. नहीं मैं बता दूंगी कितना बेसन लेना है, और उसके बीच में स्टफिंग बड़ी अच्छी है. सो हैज पनीर स्टफ्ड बेसन चीला, पनीर स्टफ्ड है क्वाइट लिटरली. हिमेश हैज योर्स. ब्रिंग इट ऑन. गोइंग फॉर पोस्ट डिनर वॉक. ज़ोए को लग रहा है कि वो शायद साथ जा रहे हैं. स्टे स्टे समझ गया. गुड बॉय गुड बॉय. डन विद ऑल द चोर्स, डन विद द नाइट वॉक. और अब है बारी माय फेवरेट नाइट टाइम आई एम वाउ रिलैक्सिंग टी की. इसे ना वैसे पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी खुशबू से ही सब चिंताएं दुविधाएं सब खत्म हो जाती हैं. कैन यू सी दोज रियल फ्लावर्स? दो लोगों के लिए बना रही हूँ मैं. इसके लिए जाएंगे 1 and 2 और ये साथ में गर्म पानी. तो इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ब्रू करके रखते हैं, उसके बाद बस हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे और पी लेंगे. मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ कि
इसकी बेस्ट चीज की इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्या आपने कभी भी इस तरह की इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी है? हमेशा इंग्रेडिएंट लिस्ट में नाम लिखे होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो शायद आप प्रोनाउंस भी ना कर पाओ, बट इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंग्रेडिएंट्स हैं और सारे के सारे 100% नेचुरल। सारे फ्लावर्स हैं ये, कैमोमील, रोज, हाइबिस्कस, रुईबोस, लैवेंडर, लिकोराइस, लेमन ग्रास, और ये सारे वो फ्लावर्स हैं, ये सारे वो हर्ब्स हैं जो स्लीप हॉर्मोन्स को इंड्यूस करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिलैक्स स्लीप आती है। Alright, so this was Zoe. Okay, good night. Zoe, look there. Ooh, look there.